नुपुर शर्मा को उनकी पार्टी ने निष्कासित कर दिया, लेकिन महुआ मोइत्रा को लेकर इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी हमेशा ही हिंदू धर्म का अपमान करती है। आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि बंगाल के सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा के खिलाफ उसी तरह एक्शन लेंगी जैसे बीजेपी ने पैगंबर टिप्पणी मामले में अपनी पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ लिया था, यानी मोइत्रा को पार्टी से निकालेंगी। दो पुलिस कंप्लेन हो चुका है, दो नहीं 100 से ज्यादा कंप्लेन हो गया। अभी इस पे अभी होगा क्या, एक्शन लेना चाहिए। सीआरपीसी आईपीसी में है, लिखा हुआ है। अच्छा, तृणमूल एकदम चुप। सीआरपीसी आईपीसी में सेक्शन लिखा हुआ है, हमारी कार्यकर्ता भी माने हिंदू लोग भी टेम्पल में भी स्टार्ट किया, बहु बाजार में हुआ, कल भी बहुत एरिया में स्टार्ट होगा और मैं भी दो तीन दिन के बाद कृष्णनगर में करूंगा। हाँ, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, काली माँ का मूर्ति को लेकर होगा। अच्छा दादा, ये छोड़ने वाला नहीं है। बंगाल में बार बार हिंदू देव देवी के ऊपर घटिया शब्द, ममता बनर्जी खुद जय श्री राम को गाली बताई, महादेव जी की शिवलिंग का अपमान हुआ, ये लास्ट है काली माता का अपमान। नेक्स्ट टाइम किसको बोलने का हम लोग मौका नहीं दूंगा। इतना हमारी एजिटेशन, लीगली कानून लीगल बैटल और ध्वज लेकर शांतिपूर्ण तरीके से इतना एजिटेशन होगा, ये लास्ट होगा, लास्ट होगा। इसको कान पकड़ के इस लोग को माफी मांगना चाहिए। ये इस पूरे विषय पे तृणमूल अभी तक चुप है, इस पूरे विषय पे तृणमूल चुप है, बैक नहीं करिए महुमात्र को। अरे तृणमूल क्या करेगा, अपनी उसकी विचार है, इसमें मेरा टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तृणमूल तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक कंपनी है, ये परिवारवाद के ऊपर और तुष्टिकरण के ऊपर चलती है। ये उसकी मालिक को पूछ लीजिए क्या करेगा। एक आखिरी सवाल दादा, लेकिन एक कान खुल के सुन लीजिए, सीपीएम का हिंदू, टीएमसी का हिंदू, बीजेपी का हिंदू, सब पार्टी का हिंदू इस इशू पर एक साथ सड़क पर आने के लिए तैयार हो रहा है। हमारी हाथ में भगवा ध्वज रहेगा, हमारी सीध में टीका रहेगा और हम लोग सड़क पे उतरे हमारी हिंदू धर्म को रक्षा करूंगा। हमारी गीता ने बता दिया धर्मो रखती रखतो, ये पहले काम करना चाहिए, राजनीति का काम बाद में। एक आखिरी सवाल, महुआ ने अभी ट्वीट किया है जय माँ काली, महुआ ने अभी ट्वीट किया है जय माँ काली, वो होने वाला, कुछ होने वाला नहीं है, अंदर जाना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने माँ काली की जो कल्पना की उसमें मांसाहार और शराब की स्वीकृति पर जोर दिया। दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट। पूरे बंगाल में मां काली के सैकड़ों मंदिर हैं, लेकिन मां काली की पूजा अर्चना के रीति रिवाज लगभग एक जैसे हैं, जिनका पालन सैकड़ों वर्षों से होता आया है। कालीघाट, तारापीठ और दक्षिणेश्वर मां काली के तीन मंदिर इन मान्यताओं से जुड़े हैं। करीब 200 साल प्राचीन कोलकाता का कालीघाट मंदिर, जो देश के 51 शक्ति पीठ में से एक है, यहाँ रोजाना पशु बलि चढ़ाई जाती है और फिर श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर मांसाहार बांटा जाता है। यहाँ की जो पूजा होती है, माँ की जो पूजा होती है, आराधना होती है, इसमें खासियत क्या है, क्या विशेष है, किस तरह से पूजा होती है और क्या यहाँ पे भी बलि होती है? देखिए, खासियत ऐसा कुछ नहीं है, जो सभी भक्ति का बात है। मंदिर में जो पूजा देने आता है, जिसका मानत देता है बकरा चढ़ाने का, जो मानत करता है यहाँ बलि चढ़ता है, हर रोज बलि चढ़ता है, हर रोज। सिर्फ काली पूजा में नहीं, हर रोज 200-250 बलि चढ़ता है। उसमें बलि का बकरा जिसका प्रसाद सबसे ले जाते हैं, कोई बकरा चला जाता है माँ का भंडारा में, वो भी 3 बजे आप आइएगा तो देखिएगा, भोग भी देता है, भंडारा सबको खिलाते हैं। बंगाल में एक और शक्तिपीठ है तारापीठ, जिसका जिक्र महुआ मोइत्रा ने भी किया था। यहाँ के पुजारी से जब आज तक ने बात की तो उन्होंने बताया कि देवी को भोग के रूप में मीट भी चढ़ाया जाता है और शराब भी, लेकिन शाकाहारी भोग की भी अलग व्यवस्था होती है। একদিকে মাকে যেমন নিরামিষ ভোগ দেয়া যায়, আবার একদিকে কিন্তু তন্ত্র মতে, যেটা কারণ তারাপীঠ তন্ত্রপীঠ সিদ্ধপীঠ মহাপীঠ তারাপীঠ, তাই তন্ত্র মতে কিন্তু মায়ের ভোগের জন্য মৎস্য লাগে, কারণ সুধা লাগে এবং মানসিকের যে বলি হয়, মন্দিরে যে বলি হয়, সে বলির পাঠার মাংস লাগে, এটা কিন্তু তন্ত্র মতে পুজো করতে গেলে লাগে।
कोलकाता के रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में भी देवी को रोजाना मछली का भोग लगाया जाता है, लेकिन पशु बलि नहीं दी जाती। कोलकाता के ठनठनिया कालीबाड़ी मंदिर में तो मछली का भोग लगाए बिना देवी की पूजा पूरी नहीं मानी जाती। पश्चिम बंगाल में माँ काली की उपासना बड़े व्यापक पैमाने पर होती है और इसका इतिहास बेहद प्राचीन रहा है। और ऐसे ही एक प्राचीन मंदिर ठनठनिया कालीबाड़ी जिसे कहते हैं कोलकाता में, वहां हम आज पहुंचे हैं। लगभग 300 साल पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर में भी जो पशु बलि है उसकी परंपरा कायम है सालों से। और वो जो पशु बलि होती है, जहां होती है, वो जगह मैं आपको अब दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं बना हुआ है, भीतर में बलि देने के लिए जो एक आप लोहे का वो आकार देख रहे हैं, यहीं पर पशु बलि की जाती है और अक्सर पशु बलि यहां पर होती है। पश्चिम बंगाल में माँ काली सबसे ज्यादा आराध्य देवी है और ज्यादातर मंदिरों में मांसाहार भोग की मान्यता है। और सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पशु बलि की परंपरा है और मांसाहार से लेकर शराब तक का भोग लगाने की मान्यता है। कोलकाता से अनुपम मिश्र और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करते हैं अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती की, जिसे अपने धमकी भरे विवादित बयान के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद यह माना जा रहा था कि अजमेर पुलिस खादिम सलमान की तबीयत से खिदमत करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि एक वायरल वीडियो में पुलिस सलमान को बचने के टिप्स देती हुई दिखाई दे रही है। आज सलमान चिश्ती की गिरफ्तारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अजमेर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। थाने में खड़े सलमान चिश्ती की मुस्कुराहट देखिए। जिस पुलिस के सामने अच्छे अच्छों की हालत टाइट हो जाती है, थाने में घुसते ही आरोपियों और अपराधियों का गला सूखने लगता है, माथे से पसीना टपकने लगता है, टेंशन के मारे भूख प्यास उड़ जाती है। उस थाने में हत्या की धमकी देने वाला आरोपी सलमान चिश्ती मंद मंद मुस्कुरा रहा है। ये मुस्कुराहट बनावटी नहीं, इसके पीछे छुपे आत्मविश्वास को समझने के लिए आपको एक और वीडियो देखना होगा और समझना होगा कि सलमान चिश्ती घबराहट के बजाय सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ कैसे खड़ा है। ये वीडियो उस समय का है जब अजमेर पुलिस सलमान चिश्ती को गिरफ्तार करके थाने ला रही थी। सुना आपने, गिरफ्तारी से पहले ही अजमेर पुलिस सलमान चिश्ती को बचने के टिप्स दे रही है। नशे की हालत में हत्या के लिए उकसाने वाले बयान से बचने के शॉर्टकट दिए जा रहे हैं ताकि कोर्ट के सामने बचने के लिए एक पतली गली तैयार की जा सके। वीडियो सामने आने के बाद अजमेर पुलिस का दावा तो तुरंत कार्रवाई का है, लेकिन वो ये भूल गई कि इस कार्रवाई में बड़े घालमेल की बात लीक हो गई है। हमारे संज्ञान में आया था कि दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती द्वारा एक भ्रामक और आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया गया है, जिसके बाद तुरंत FIR दर्ज कर ली गई और विभिन्न टीम बनाकर साइबर टीम की मदद के द्वारा भी आज सलमान चिश्ती को घर से दस्तयाब किया गया। अभी उनसे पूछताछ जारी है, उनको उनके खादिम मोहल्ला से ही अभी दस्तयाब किया गया है। बाकी एक बार अभी पूछताछ हो जाए कि वो कब उन्होंने वीडियो बनाया, कहाँ बनाया, उसके बाद बाकी जानकारी शेयर कर सकते। सलमान चिश्ती के पुलिस के साथ इस वायरल वीडियो के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार फिर से बीजेपी के निशाने पर आ गई। बीजेपी के नेता राजवर्धन सिंह राठौर ने ट्वीट करके इस वीडियो के लिए अजमेर पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया। राजवर्धन सिंह ने लिखा कि हत्या की धमकी देने वाले अजमेर दरगाह के खादिम को पुलिस सिखा रही है कि बचना कैसे है, ये ऊपर से आदेश के बिना संभव नहीं है। विपक्ष की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये भी है कि अजमेर पुलिस को सलमान चिश्ती को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि बोल दे नशे में था। अजमेर पुलिस की ऐसी क्या मजबूरी थी कि गिरफ्तार करते ही सिखाना पढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस शुरू से कहती आ रही है कि सलमान चिश्ती ने ये वीडियो नशे की हालत में दिया था। जैसा वीडियो में प्रतीत हो रहा है वो इनेबिलिटेड स्टेट में थे, डेफिनेटली कुछ नशा उन्होंने किया था ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी अनुसंधान का विषय है, उसको समझ आया कि वो इस तरह की स्थिति में था।
एक बार मान भी लिया जाए कि सलमान चिश्ती नशे में था, हो सकता है पुलिस लिकर टेस्ट करवा कर ये साबित भी कर दे कि सलमान ने शराब पी रखी थी, लेकिन सवाल ये है कि क्या नशे के आधार पर इतने गंभीर मामले में डिस्काउंट दिया जा सकता है, वो भी तब जब अजमेर के थाने में सलमान चिश्ती के हिस्ट्री शीटर वाली तस्वीर लगी हो। सलमान पर 13 मामलों में केस चल रहे हैं, कई केस में जेल भी काट चुका है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस बचने के टिप्स खुलेआम देती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि पुलिस की यह मदद सलमान चिश्ती के कितनी काम आती है। चंद्रशेखर शर्मा, अजमेर आज तक।